हेलो मैम, वेलकम टू मलिक टेक। इस वीडियो में बात करेंगे जेसीबी कार्ड्स के बारे में। तो आपको सुनने में थोड़ा एक्वर्ड लग रहा होगा, जेसीबी कार्ड, तो जी हाँ, जेसीबी कार्ड की ही बात करेंगे। इससे पहले आपने बहुत सारे जेसीबी मशीन्स के बारे में सुना होगा, जेसीबी मशीन्स, जेसीबी की खुदाई आपने फेसबुक वगैरह या फिर यूट्यूब पर भी देखी होगी वीडियोज बहुत सारे। तो इस वीडियो में बात करेंगे जेसीबी कार्ड की। तो जी हाँ, जेसीबी ने रुपए के साथ कोलैबोरेशन करकर जेसीबी रुपए कार्ड लाया है, जिसका यूज आप इंटरनेशनली और इंडिया में दोनों जगह यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे क्या क्या बेनिफिट्स है इस कार्ड के, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी बैंक ये कार्ड इशू करेगी, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या बेनिफिट्स है, और ये जेसीबी एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी। मेरे चैनल पे आपको और भी बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। जेसीबी एक्चुअली में है क्या, जेसीबी एक पेमेंट नेटवर्क है, जैसे आपका वीजा, मास्टर, रुपे कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिनर क्लब और बाकी जैसे कार्ड है नेटवर्क, उसी तरह से जेसीबी भी उन्हीं में से है। जेसीबी एक्चुअली में एक जापान की कंपनी है जो 1961 में फाउंडेशन हुआ था इसका। इसका फुल फॉर्म है जापान क्रेडिट ब्यूरो करके, जो क्रेडिट कार्ड इशू करती है जापान में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और इंटरनेशनली जो है 1980s में ये ग्लोबली मर्चेंट अपना खोला, जिन्हें मेबेन नेटवर्क से कहते हैं, वीजा और मास्टर है, कि बाकी बैंकों से कोलैबोरेशन कर इन्हें अपना नेटवर्क बनाया, जो अभी फिलहाल 190 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है। जैसे आपका वीजा मास्टर एक्सेप्टेबल होता है बाहर में, आप यूज़ करते हैं इंटरनेशनली, इसी तरह से जेसीबी कार्ड भी आपके पास होगा तो वो भी आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो रिसेंट में ही कल ही रुपे कार्ड ने इसे कोलैबोरेशन किया, रुपे कार्ड को बनाया NPCI ने, जैसे नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो वही रुपे कार्ड UPI वगैरह इशू करता है, तो उसी के साथ कोलैबोरेशन किया गया और काफ़ी बेनिफिट्स दिए गए। फिलहाल ये अभी डेबिट कार्ड इशू किया गया, अभी अगले महीने या नेक्स्ट वीक से क्रेडिट कार्ड भी आएगा और प्रीपेड कार्ड भी लॉन्च किया जाएगा। तो जेसीबी नेटवर्क के साथ इनको कोलैबोरेशन चला है, इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे इंडिया में अक्रॉस और इंडिया के बाहर। तो जेसीबी ने पहली बार इंडिया में कदम रखा और NPCI के साथ कोलैबोरेशन किया। NPCI जो रुपे कार्ड, UPI वगैरह का फैसिलिटीज हम लोग को देता है, तो पहले हम लोग को लगता था कि रुपे कार्ड सिर्फ इंडिया में यूज़ हो सकता है या फिर डोमेस्टिकली इंडिया में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने के लिए अभी भी वीजा और मास्टर का यूज़ करते हैं। इसी को बढ़ावा देने के लिए रुपे कार्ड ने पहले डिनर क्लब और डिस्कवर नेटवर्क से टाइप किया था इससे पहले, जो अमेरिका की कंपनी है, उसके बाद अब जेसीबी से कोलैबोरेशन किया है। जेसीबी भी इंटरनेशनल मर्चेंट पे एक्सेप्टेबल होता है बहुत सारे अक्रॉस द 19 कंट्रीज में ये एक्सेप्टेबल है। तो जेसीबी एक ब्रांड है जहां से आप रुपे ने कोलैबोरेशन करके बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि उनका नेटवर्क बाहर भी अब यूज हो पाएगा। जैसे हम लोग सोचते हैं कि मास्टर और वीजा कार्ड जरूरत है, अब जेसीबी रुपे कार्ड भी आप लेंगे तो आप आउट ऑफ इंडिया यूज कर सकते हैं, जहां पर जेसीबी का सिलेक्टेड नेटवर्क होगा वहां पर यूज कर पाएंगे। और इंडिया में जेसीबी कार्ड अगर आपके पास है तो इंडिया में रुपे मर्चेंट यहां पर यूज होगा तो वहां पर जेसीबी कार्ड को यूज कर सकते हैं। इसमें काफी बेनिफिट्स वगैरह दिए गए हैं आपको अगर आप आउट ऑफ इंडिया कार्ड को यूज करते हैं। ये एक डेबिट कार्ड है, अभी क्रेडिट कार्ड इसका नहीं आया, तो डेबिट कार्ड है, इसे आउट ऑफ इंडिया भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप आउट ऑफ इंडिया यूज करते हैं, इसको 15% का कैशबैक रखा गया, तो आप आउट ऑफ इंडिया किसी भी POS मशीन या मर्चेंट वेबसाइट पर यूज करते हैं तो 15% का कैशबैक आपको मिलेगा। साथ साथ अगर कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज हैं जो एशिया के अंदर आते हैं, बैंकॉक, दुबई में आप इस कार्ड थाईलैंड में यूज़ करते हैं, तो 15% एडिशनली आपको डिस्काउंट मिलेगा इस पर्टिकुलर कंट्री में, तो आपको टोटल 30% डिस्काउंट इस कार्ड से हो जाएगा अगर इस कार्ड का यूज़ आउट ऑफ इंडिया आप करते हैं ट्रेवलिंग के लिए वगैरह के लिए। क्योंकि पहले ट्रेवलिंग के लिए हम लोग को वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड ले जाना पड़ता था, आप जेसीबी रुपे कार्ड भी ले जाकर आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी बेनिफिट्स आप इसका उठा सकते हैं। रुपए जेसीबी कार्ड का यूज कर आउट ऑफ इंडिया जापान, चाइना या फिर थाईलैंड में यूज करके इस कार्ड में आप जेसीबी प्लाजा, जेसीबी लॉज के फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कार्ड में ये सब फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। तो बात करते हैं इंडिया में कौन कौन सी बैंक रुपए जेसीबी कार्ड इशू कर रही है। तो लगभग भाई 10 बैंकों के साथ टाइप किया गया, जिसमें आपका एक्सिस बैंक है, SBI है, PNB है, यूनियन बैंक है, आंध्र प्रदेश बैंक है, JCBS बैंक है। इस सब बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया गया, ये सब बैंक अभी रुपए जेसीबी कार्ड इशू करेगी। जैसे आप आम क्रेडिट डेबिट कार्ड इशू करवाते हैं उसी तरह से ये कार्ड आप ले सकते हैं नॉमिनल चार्जेस पे। 200-300 रुपये जो चार्जेस लगते हैं डेबिट कार्ड के, वही चार्जेस में लगेंगे। आप अपना कार्ड रिप्लेस कर सकते हैं, जो पहले कार्ड है इस कार्ड को ले सकते हैं अगर आप ऑनलाइन यूज़ करना चाहते हैं अब्रॉड। जैसे रुपे कार्ड था तो रुपे में आप सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ कर सकते थे, लेकिन रुपे इंटरनेशनल जो था उसका भी इंटरनेशनल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्टेड नेटवर्क का इसमें डिस्कवर और डिनर क्लब के साथ पार्टनरशिप था। अब जेसीबी के साथ हो गया, तो जेसीबी नेटवर्क का यूज़ कर आप इंडिया से बाहर कार्ड को यूज़ कर सकते हैं और ट्रेवल में यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं जेसीबी कार्ड्स के। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने बैंक से बात करें। ऑनलाइन प्रोसेस अभी अवेलेबल नहीं कराया गया, जब अवेलेबल हो जाएगा तो मैं इस पर वीडियोज़ भी बना दूंगा।
तो यही था रुपए जेसीबी कार्ड का फीचर्स और बेनिफिट्स और अप्लाई करने का प्रोसेस। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक है। मेरे चैनल पे आपको और भी ऐसे ही बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन, क्वेरीज है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरे चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। तो उम्मीद है कि इस यूनिक वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करें जिनको पता नहीं है जेसीबी का कार्ड भी आता है। जैसे आप लोग जान रहे हो जेसीबी का सिर्फ मशीन आता है, ऐसा नहीं है, जेसीबी का कार्ड भी आता है। जेसीबी कार्ड का यूज कर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।